बांसकोट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की है। हम बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से कोंडागांव जिले में 154 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 145 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों जैसे देवगुड़ी, मातागुड़ी एवं घोटुल की भूमि को संरक्षित रखने हेतु कुल 436 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना, बांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क जंगल सफारी के रूप में विकसित करने, उप स्वास्थ्य केंद्र गमहरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, केशकाल में इंडोर स्टेडियम के निर्माण, ग्राम बांसकोट में आत्मानंद स्कूल की तथा साहू सदन का बांसकोट में अहाता निर्माण करने की घोषणा की। बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना, मांझीगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में और जंगल सफारी के रूप में विकसित करने का अनुरोध आपने किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र गमहरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन और केशकाल में इंडोर स्टेडियम निर्माण करने के मांग आपने की है। ग्राम बांसकोट में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की स्थापना और साहू सदन भवन बांसकोट में आशा निर्माण, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय गुरु भक्त माता करवा की जय।